Hello friends, welcome back to our channel JBI Action Kolkata. Today we have a very exciting story to cover because wine and bar and bartending कुछ ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से एक आदमी को इंटरेस्ट दिया है और आज हम उसी टॉपिक के ऊपर और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे. I proudly welcome to our channel one of the well-known faces of bartending industry in Kolkata, Mr. Julian Gobes. He is with us. और वो आज हम लोग वाइन और उनके लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे और इस इंडस्ट्री में वाइन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग रहा है. इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और अपकमिंग ब्रांड्स एग्जिस्टिंग ब्रांड्स क्या हैं, कुछ बहुत सिंपल से कॉकटेल उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे. प्लस पहले तो उनको वेलकम करते हैं. हेलो जूलियन, वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच बीइंग हियर. Today was a quite an interactive day with you, so it's a proud moment to us have you here. So first I think I was made to double down, so there you able to see your juggling and presentation skills, and now you have gone far up as a brand ambassador of the Japanese wine. How was the journey till now? कैसा रहा जर्नी अब तक? वेल जर्नी वॉज गुड. आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग. देखिए बार्टेंडर लोगों का खाली एक ही साइड दिखाई देता है, तो दूसरा साइड क्या होता है वो उतना हाईलाइटेड होता नहीं है. वी हैव द अदर साइड एज वेल, लाइक द वे टू द जर्नी, लाइक हाउ आई बिकेम अ बार्टेंडर. माई फादर वॉज अ होटल फ्रॉम यूज टू बिलोंग फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री, बट ही नेवर सपोर्टेड मी बींग अ बार्टेंडर. He always said that be on the food areas, this, that, everything, serve them. If he cannot serve them, be in the kitchen. He wanted me to be in the kitchen. Okay, be the chef. Be the chef. But I felt that it's a very interesting job. And since the time I started, and as the name belongs, like Julian Gobes, थोड़ा सा अल्कोहल का कल्चर इधर में रह जाता है, तो थोड़ा बहुत तो पता था बचपन से ही कि वाइन किसको बोला जाता है, वोडका किसको बोला जाता है. फिर थोड़ा थोड़ा करके जानने लगा. आज जानते जानते बस यहाँ तक आया हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, और क्या हो. माई होल लाइफ इज अ स्टडी बाई इटसेल्फ. ओके, तो बट हम लोग जानना चाहेंगे सिंस जनरली अमलोई कल्चर में वाइन इज ओपन कल्चर, बट पापा मना क्यों किए पहले से वाइन नॉट टू बी अ बार्टेंडर? पापा मना किए थे क्योंकि पापा को लगा था कि मैक्सिमम प्रोस्पेक्टर्स शेफ लोगों को मिलता है. ओके, ठीक है. सो ऑन हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही वाज आल्सो राइट, लाइक मैक्सिमम प्रोस्पेक्टर्स शेफ को मिलता है. बट व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक माय बिगेस्ट अचीवमेंट अलोंग विद माय फैमिली, आई मीन Still, I am sitting here. This is one of the biggest achievement, what I believe. But my first biggest achievement was my dad and my sister were sitting in front, and I was performing. Well, Michael Douglas, the football player, he was holding a chain so that the crowd doesn't comes and disturbs me, and I was performing in the middle. So that was my biggest achievement because my dad was watching. Great. So, Julian, I would like to know that. From the time being, आपकी स्कूलिंग ब्रॉन एंड बॉटम, आप कोलकाता में बड़े हुए हैं, तो ब्रॉन एंड बॉटम से लेके हाउ यू चूज दिस इंडस्ट्री, वेयर यू स्टार्टेड, तो आप कैसा रहा, मतलब कहाँ से स्कूलिंग की आपने? स्कूलिंग माय स्कूलिंग वाज फ्रॉम सेंट लॉरेंस. ओके, ठीक है. माय डैड वाज एन एक्स स्टूडेंट एंड ही सेड दैट इट्स अ गुड स्कूल. ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड स्कूल. थ्री बिग प्लेग्राउंड्स, मतलब बच्चे मतलब दौड़ते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, तो वैसा ही था. आई हैव डन माय स्कूलिंग ओवर देयर. ओके, देन द टाइम केम फॉर माय कॉलेज थिंग. माय डैड सेड दैट डू वन थिंग, यू बी इन अ कैटरिंग कॉलेज, यू विल गेट अ जॉब वेरी इजीली. ओके, आई सेड ओके फाइन. सो आई जॉइंड बार्कले एंड साइड बाय साइड, सिंस माय डैड वाज एन ओबेरॉय ब्रांड एक्स स्टार. Okay. So he said that do one thing, even the hotel management doesn't gives you that much of knowledge, you start your casual trainings as well. Right. I said kya matlab, that was
आई वॉज वेरी यंग, इट वॉज हार्डली समवॉट अराउंड 17-18 ऐसा ही उम्र होएगा मेरा. सचिन स्टार्टेड प्लेइंग एट 16 इंटरनेशनल क्रिकेट. सो वैसे ही उम्र में मेरे को हाथ पकड़ के थमा दिया गया था, भाई ये होटल इंडस्ट्री है, यहाँ से सर्विस होता है, यहाँ से ये होता है, ये स्टार्टर होता है, ऐसे करके सर्विस करते हैं, ऐसे ये करते हैं, अब से तुम करो. सो आई वॉज बीन पुश्ड. एनी हाउ आई वॉज इन द सर्विस इंडस्ट्री, बट समहाउ आई रियलाइज्ड कि बारटेंडर का जो जॉब है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. कितने दिन बाद मतलब इंडस्ट्री में कितने दिन होने के बाद यू इज एबल टू गो टू बारटेंडर, यू आफ्टर यू जॉइन एट 17 तो कितने दिन बाद अब एज अ बारटेंडर एज अ ज्वाइन किया था. मैं आपको बता दूं, मैं ज्वाइन किया था ओबरे ब्रांड में, मैं 3 साल वहाँ पे कैजुअल में काम किया है. ओके. एक बार भी मेरे को चांस नहीं मिला कि बार में जाकर ट्रेन करूँ. ओके. मैं खाली देखता था. Right. And that was the feeling and the ambition which was growing inside. Three years you were nurturing that. Three years I was doing service, this, that, everything. I was doing everything. I was the smallest kid in the team. Okay. But मेरे को allow नहीं था कि मैं बाहर में जाऊँ drink बनाऊँ. ना ही हिम्मत था, ना ही मेरे को allow था. Right. तो मैं जा ही नहीं पाया 3 साल तक. तो 3 साल बाद एक ये आया, फ्लेयर बार्टेंडिंग ग्रुप आया कलकत्ता में, इस नेम वाज इंटॉक्सिकेशन. ओके. सो जैसे आया मैं सोचा भाई बार का बैकग्राउंड तो है नहीं मेरा, तो इसका ही ट्रेनिंग कर लेता हूँ, शायद मेरे को कोई बार के अंदर रख लो. सो आई जॉइंट देम. सो दे सेड दैट सी वी हैव 3 parties इन 31st night. ओवर ए ग्रैंड वॉज फुल पैक्ड अप एंड 31st night में मेरे को भागना पड़ा वहाँ से पार्टी खेलने. मैं उन लोगों का पार्टी खेलने गया सोभगुई में, पार्टी खेला. पार्टी खेल के आने के बाद मेरे को बोला, तो देर वॉज अ पर्सन हु वॉज टैकलिंग ऑल ऑफ अस एंड ही सेड दैट ही वॉज अ दिल्ली गाय. सो ही यूज टू से इन दिल्ली टोन में ऐसे बोला, यार तेरा काम मेरे को बहुत अच्छा लगा. सो आई सेड दैट सर मेरे को नॉलेज कुछ आता नहीं है, खाली डालना ही आता है और कुछ पता नहीं है. सो ही सेड दैट कि हम लोगों का एक कॉलेज है. एंड आई सेड दैट घर से एक पैसा नहीं देगा, बार का काम सीखने के लिए एक पैसा नहीं देगा, बिकॉज आई एम डूइंग ऑलरेडी टेस्टिंग इन बागले. तो एक पैसा नहीं देगा. सो आई सेड दैट घर से तो एक पैसा नहीं देगा, मैं आपका फीस नहीं दे पाऊँगा. ठीक है. दे सेड दैट ठीक है यार, फीस देने का जरूरत नहीं है, तू रह जा हम लोगों के साथ, जो सीखा था वो सीख ले, पैसा हम लोग भी दे नहीं पाएंगे, तू सीख ले, तू पार्टी करके हम लोगों का पैसा उठा दे. ठीक है. The thing is that I was supposed to learn. Right. Then after that, जैसे ख़त्म होता है मैं बार्टेंडर बन जाता हूँ, मैं पार्टी करके एक पैसा अपना नहीं रखूँगा, मैं सारा अपना इंस्टीट्यूट को दे दूँगा, सीनियर्स को दे दूँगा कि वो अपना इंस्टीट्यूट चला पाए, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग आउट एनी फीस. ओके. सो ये जो है एक छोटा सा मार्जिन मेरे को छोड़ा था, जहाँ पर मैं आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू दैट पर्सन हु टोल्ड मी दिस. तो मैं गया, रोज घर से पैदल आता था, आके लिख के नोट्स लिख के पैदल जाता था घर में, क्योंकि बार के लिए मेरा पापा एक पैसा नहीं देगा. ठीक है. पैदल आता था, पैदल जाता था, कहीं पार्टी हुआ 3 घंटा पहले मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से मेरे को पार्टी होता था, पीसी चंद्रा गार्डन ये सब जगह में. सो आई हैव टू लीव द हाउस 3 hours बिफोर बिकॉज दैट आई विल बी वॉकिंग. ठीक है, चल के जाऊंगा वहाँ पे. ठीक है, बस का एक पैसा तो है नहीं, चल के जाऊंगा वहाँ पे, काम करूँगा, काम करके फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो पैसा आएगा उससे टैक्सी से घर जाऊँगा. नेक्स्ट दिन मेरे को सारा पैसा है उसको दे देना. सो ये था मेरा स्टोरी. सो ऐसे करके सीखते सीखते मेरे को एक ब्रेक मिला एंड इट वॉज समथिंग लाइक माई डैड ओनली रियलाइज ही इज़ गिविंग सो मच हार्ड लेबर. इतना अगर हार्ड लेबर वो दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पैशन होगा. मेरे को लेके गया जॉनसन रंज में. जॉनसन रंज द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट बिसाइड इंडियन म्यूजियम. ओके. सो ही ब्रिंग मी देयर. वन ऑफ हिज फ्रेंड वाज अ जनरल मैनेजर. सो ही सेड दैट ही हैज अ वेरी बिग नैक ऑन इन द बार, सो व्हाई डिडंट यू ट्राई. सो ही सेड दैट ओके जॉन, तब मैं अपने पापा के नाम से जाना. He said that okay John, I will keep him. ऐसे भी मेरे को लड़का चाहिए था, so I'll keep him, no problem.
मैं काम करता रहा वहाँ पे, इट वॉज दिस थिंग लाइक ओल्ड फैशन बार, फ्लैरिंग नहीं कुछ नहीं, ठीक है, ओल्ड फैशन बार, ऐसे ड्रिंक दिया, यस सर, ठीक है. वहाँ पे भी मेरे को सीखने को मिला था, इट वॉज समथिंग लाइक दैट यू शुड नॉट स्पेयर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ एल्कोहल, ठीक है, जो आपका जिगर में रह जाएगा उसको आपको गिराना नहीं, उसको ग्लास में ही देना है, गेस्ट को 100% देना है ताकि गेस्ट कोई कंप्लेंट नहीं कर पाए. और होता था, मेरा जो बार मैनेजर था ही वॉज वेरी एजिड, वंस ही यूज टू चेक ऑल द बॉटल्स. देर आई रियलाइज एंड आई लर्न वॉट इन्वेंट्री इज, एक इन्वेंट्री बार का कैसे लिया जाता है, कहाँ पे ड्रॉप बाई ड्रॉप मेजरमेंट करके पूरा हिसाब उसका लिया जाता है, कहाँ पे जाता है, क्या होता है, नहीं होता है. आई लर्न ईच एंड एवरीथिंग देयर. ओके, सो आई वर्क देयर समवॉट अराउंड 5-8 months और मोर देन दैट मे बी अ ईयर. जो हम लोग जनरली कंजम्पशन के बाद एक छोटा सा बोट बॉटल के एंड में रह जाता है, रह जाता है 10 बार, उसमें इन्वेंट्री में काउंट करता है उसको. हाँ, उसको इन्वेंट्री में काउंट करता है 30 ml तक. दैट्स इंटरेस्टिंग. 30 ml तक काउंट करता है. एंड दैट मैनेजर ही वाज सो परफेक्ट, लाइक ही यूज्ड टू पोर एंड ही यूज्ड टू कैलकुलेट एंड ही यूज्ड टू सी द बॉटल्स, द मेजर द बॉटल्स, कि आज जितना पोरिंग किया है कहीं कम बेसी हो तो नहीं किया है. तो एक एक ml का उसका पास हिसाब रहता था. He was such, I mean, so perfect in his inventories. So I learned each and everything from him. It was really good. करीबन एक दो साल बाद मेरे को opportunity मिला. That was Mr. Irfan Ahmed, who was the Asia's number one bartender at that time. तो वो एक नया bar open कर रहे थे, Pet Lounge bar. तो वहाँ पे उनको bartenders चाहिए था. So I called up, I said that, sir, can I join? He said that, yes, you can join, but you have to give an interview. तब इरफान अहमद, मतलब I was not even a, एक चीटी भी नहीं था तब. जूलियन गोम्स वॉज नॉट जूलियन गोम्स एट दैट टाइम, नॉट इवन अ एंड. सो उस टाइम पे इरफान अहमद मतलब एशियाज नंबर वन बार्टेंडर, उसके सामने बैठ के इंटरव्यू देना, मतलब आई वॉज लिटरली शेकिंग. Okay, then let me interrupt, sorry to interrupt you for better understanding of it. If Mr. Irfan Ahmed, Mr. Irfan, say, used to be said that he incepted, but unhone modern jo bartending ka techniques hai, Kolkata mein, he is the father. So is it right? Am I right? What are the, yes, you can say, he is right. Whatever he says, like, aaj, jitna bhi aap celebrity bartender, aaj aap dekh rahe ho, ठीक है, एक भी सेलिब्रिटी बार्टेंडर, आप कोई भी आदमी हो, कोई भी सेलिब्रिटी बार्टेंडर को पूछो इरफान अहमद कौन, वो आपको बता देगा इरफान अहमद कौन. कैलकटा में आप पूछो ही, हर एक सेलिब्रिटी बार्टेंडर का आपका बैंक हिस्ट्री अगर आप चेक करोगे, इसलिए दो तीन कहीं ना कहीं वो इरफान से मिला होगा, इरफान सर के अंदर काम किया होगा, वरना ये चीज़ होता नहीं, इतना उठ के आ नहीं सकता आदमी. सो he was the, like that time he was a big name. Big name means मतलब क्या बोलेगा, मतलब मान लो हॉलीवुड मूवीज और मैं ऐसे काम मांग में आया, वो भी हॉलीवुड मूवी, सोचो ऐसा हालत है. तो गया, तो इरफान सर इंटरव्यू किया एंड आई वॉज लिटरली शेकिंग एंड ही टोल्ड मी दैट, अरे बेटा शेक क्यों कर रहा है सर, डर लग रहा है, आप इरफान सर. ही वॉन्टेड टू लाइक ही आस्क्ड मी दैट कॉकटेल बनाने आता है. आई सेड सर आप रेसिपी तैयार करते हो, मैं रट के आ जाता हूँ, मैं आपके सामने क्या जवाब दूँ. सो ही सेड दैट ठीक है बेटा तू रहे, ठीक है, बट आई विल पे यू 500 rupees लेस देन वॉट यू आर गेटिंग, मेरे को काम सीखना था. आई सेड ओके. सो इरफान सर शिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 10:30 ऑनवर्ड्स. राइट. नो, 10:30 मॉर्निंग बॉडी. ओके, 10:30 आपको रिपोर्ट करना है. एंड ही यूज टू टेल अस, ही हैज अ वेरी हैवी वॉइस एंड ही यूज टू टेल अस, आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू बी लेट. ऐसा करके कोई बोल देगा इतना बड़ा आदमी तो कैसे लेट हो गया. मैं 10:30 जाता था, छूटता था कब, नेक्स्ट मॉर्निंग 6 o'clock. ओके, फिर 10:30 में चले आना, फिर 10:30 एंट्री. काम सीखना है क्या. So if you have to learn, if you have to slack your ass, I think so that's what.
those want to learn the God, the depth, अगर कोई जाना चाहता bartending में, I think they are hearing a true lifetime story. पर ये एक successful bartender का story है, how he struggled and learned. Mr. Julian, please continue. It's a very interesting story you are sharing. I think it will inspire the students. तो ऐसा करके काम करता रहा. So I was like, it was something like this. 10:30 मैं एंट्री करता था. नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब मेरा बार क्लोज हो जाता था. दूसरा एक बार था क्लोज हो जाता था. नाइट क्लब जो था बेड का वो चलता रहता था. वो दैट यूज़ टू क्लोज बाई 6:00 इन द मॉर्निंग. मेरी 6:00 5:00 समवॉट रहता है. उसके बाद वो लोग इन्वेंट्री करता था. उन लोगों को इन्वेंट्री में हेल्प करना सब कुछ करके उसके बाद जब मैं छूटता था दैट वॉज 6:00 इन द मॉर्निंग. हम लोगों का नाइट ड्रॉप था. सो गेट में जाके ऐसा मतलब जान होता नहीं था शरीर में. ऐसा करके मतलब गिरते पड़ते हुए गेट में जाके ऐसा करके लटक के सिक्योरिटी गार्ड को दादा थोड़ा नाइट ड्रॉप का गाड़ी. सिक्योरिटी गार्ड बोला देखो बाबू बिहारी वॉज अ बिहारी गाय नॉर्मली जैसा होता है बिहारी आदमी. देखो बाबू आप अभी अगर बस पकड़ के चला जाओगे 10 मिनट एक्स्ट्रा सो पाओ. एंड ही वॉज एक्चुअली लाइक राइट क्योंकि नाइट ड्रॉप का गाड़ी आएगा सब बैठेगा गाड़ी में फिर ड्राइवर आएगा क्या वो सिगरेट पीने गया हो चाय पीने गया हो कुछ भी करने गया हो उसको बुलाएगा वो आएगा फिर वो बैठेगा फिर ना गाड़ी चलाएगा फिर मैं पहुंचूंगा एक एक करते हुए ड्रॉप करते हुए जाएगा उसमें मेरा लेट होगा. मैं जाता था बस में चढ़ता था जाके सुबह 7 बजे घर में 9:30 फिर निकलना होता. ठीक है तो मतलब सोने का टाइम आप सोचो 2.5 घंटे 2.5 घंटा सोने का टाइम है. जब सोता था मम्मी को बोलता था कि मेरे को 8 बजे उठा था. मम्मी बोलता अभी 7 बजे तो घर है 8 बजे उठ जाएगा तू. 8 बजे उठना है मेरे को 9:30 कैसे भी करके घर छोड़ना. अगर 9:30 नहीं छोड़ा तो उधर लेट हो जाएगा मेरा. ये सीन होता था कि वहाँ पर बीच में रेस्ट वगैरह करने का मौका मिला. रेस्ट वगैरह करने का एक ही दिन मौका मिला था और बहुत गलत काम हो गया था वो मेरे से. क्या हुआ एक दिन जैसे नॉर्मली होता है होटल्स में वेज 5 दिन एक दिन चिकन बनेगा नॉन वेज मक्का. नॉन वेज बना उस दिन और मैं बहुत एक्साइटेड था. पहली बार नॉन वेज देख रहा हूँ बनते हुए. ठीक है मतलब उतना बड़ा कढ़ाई में और जो स्टाफ कुक था वो भी मेरा मतलब अच्छा बातचीत था दोस्त जैसा हो गया था. तो उसके साथ मेरा अच्छा बातचीत था. मैं दादा दादा करके बात करता था तो बोला कि आज चिकन बनाएगा. मैं भी गया थोड़ा हाथ वाथ बटा दिया बहुत एक्साइटेड था. ठीक है बहुत खाना खाया. इतना खाना खाने के बाद आप दोपहर में खाना खाओगे ज़्यादा करके नींद आ जाएगी. गलती ये हुआ हम लोगों का चेंजिंग रूम एक बॉयज़ एंड गर्ल्स. ठीक है अब गर्ल्स आता था तो लड़के बाहर चले जाते थे. लड़के आते थे चेंज करने तो लड़कियां बाहर चली जाती थी. मैं उधर में जाके रेस्ट करने के बाद में बोला कि भाई बहुत खा लिया थोड़ा सा रेस्ट करने दे. लड़का लोग था बोला कि यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट कर ले जब हम लोग जाएगा उठा के लेके जाएगा. बोला ठीक है. वहाँ पर रेस्ट किया कार्टून वार्टून दे के मेरे को ढक दिया. मेरे को समझ में आया नहीं क्या हुआ. मैं तो सोया हुआ हूँ सो गया पूरा. मेरे को छोड़ के बाकी सब चले गए. जैसे ही चले गए लड़की लोग आया चेंज वेंज किया वो लोग भी बाहर चले गए मेरे को पता ही नहीं. ठीक है बाहर चले गए. उसके बाद 7:30 मेरा मैनेजर मेरे को ढूंढ रहा है. जूलियन 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 मेरा बहुत देर से चिल्ला रहा है. मैं क्या हुआ. मैं गया बाहर उठ के बोला हाँ सर. बोले तू इधर में सोया था. बोला हाँ सर. बोला अरे लड़कियाँ निकली अभी. क्या बोल रहे हो सर अभी लड़कियाँ निकली. बोले हाँ रे अभी इतना लड़कियाँ निकली यहाँ से. बोले सर मेरे को कुछ पता नहीं है मैं तो इधर में सोया था. सो इट वॉज समथिंग लाइक दिस. थोड़ा सा खाना खाया था नींद आ गई. स्ट्रेस चल रहा है. ठीक है 4 महीना 5 महीना कितना दिन आप सो चलता गया. करीबन जैसे तैसे करके 1 साल निकाल लिया. 1 साल इस तरह से ओके. जिस दिन छुट्टी मिलता था उस दिन सोता था. उस दिन कोई मुझे हिला नहीं सकता था. ठीक है इस तरह से 1 साल निकाल लिया. 1 साल निकालने के बाद और बीच बीच में थोड़ा बहुत क्योंकि ऐसे करके काम करोगे तो थोड़ा बहुत एक दो दो झटका हो ही जाएगा. ठीक है ऐसे काम करके 1 साल निकाल लिया. 1 साल में क्या क्या सीखे जो पहले नहीं सीखे.
एक साल में मैं ये सीखा, पहला मैं बात बताना चाहूँगा इंद्रो नील चैटर्जी, इसने मेरे को सिखाया भाई अगर तेरे से गलती से अल्कोहल कम हो जाए जो तेरे इन्वेंट्री में नहीं है उसको तो कैसे मेकअप करें। ही वॉज अ ग्रेट हेल्प बिकॉज ही वॉज आर सीनियर अमंग द बारटेंडर्स, सारे बारटेंडर में ये सीनियर था और ये आता था सबका इन्वेंट्री लेने का, ठीक है। इसको एक चीज़ पता था, कहीं ना कहीं इसको पता था कि भाई जूलियट कुछ भी कर ले इसमें इतना हिम्मत नहीं है कि ये कुछ कर पाएगा, ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा कर पाएगा। हाँ ठीक है, नॉर्मली काम कर रहे हैं सही है, ठीक है, इससे मजाक करता है उससे मजाक करता है ये चलो ठीक है मान सकते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा करेगा ऐसा तो इसको भरोसा। ये जैसे तैसे मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प करता रहता है जैसे तैसे। तो क्या उल्टा पुल्टा क्या होता है जैसे? देखिए जैसे इन्वेंट्री में अगर शॉर्ट हो जाए तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? अगर मैं शॉर्ट होने का कारण क्या क्या रहता है जनरली जो ऑन जॉब कोई पीता नहीं है? नहीं, ऑन जॉब कोई नहीं पीता है। ऐसा शॉर्ट हो सकता है जैसे कि आपके स्पिल ओवर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई किसी से स्पिल ओवर हो गया, कोई है एक अच्छा लड़का, ठीक है, आपको पता है कि हाँ भाई ये अच्छा लड़का है इसको हेल्प करना चाहिए, आपने हेल्प तो कर दिया और ये, लेकिन बैकग्राउंड में आप अपने आप को कैसे संभालोगे ये होता है सवाल। और बार्टेंडिंग ये करते करते ड्रॉपिंग ऑफ बॉटल टूटा कभी? बॉटल नहीं, बॉटल तो नहीं टूटा था उस टाइम पे क्योंकि हम लोग बॉटल में हाथ लगाने में डरते थे, क्योंकि इरफान सर रहता था तो लड़का लोग बॉटल में हाथ लगाने से भी डरता था। मतलब सर्विंग करते हुए छूट गया या सर्विंग करते हुए छूट सकता है, जैसे बियर बॉटल छूट गया, ठीक है, बियर बॉटल टूट गया, बहुत टाइम पे होता है कि खोलने के टाइम पे बियर बॉटल टूट जाता है तो हम लोग वो रिप्लेस कर देते हैं, उसका एक रीजनेबल रीज़न रखे। बट इट वॉज अलाउड, उसके लिए डांट पड़ता था? हाँ उसके लिए डांट पड़ता था। मतलब क्या, मतलब जैसे कि आप अगर फॉरवर्ड नहीं करता हूँ देन एंड देन, अगर 8 बजे मॉडल टूटा तो 8 बजे उसको फोटो खींच के मेरे को फॉरवर्ड करना है MD के ग्रुप में, MD के ग्रुप में इरफान सर है, इरफान सर देखेगा चेक करेगा। अगर 8 बजे टूटा है, अगर मैंने तीन दिन तक मैं उसको दिखाया नहीं है कि किस लिए टूटा है, किस लिए मेरा एक बॉटल एक्स्ट्रा गया है, ठीक है, ये मैंने अगर दिखाया नहीं है तो उल्टा घूम के मेरे ऊपर चार्ज हो जाएगा। ओके, जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल दुकान से परचेज और एक रेस्टोरेंट या बार में इस पॉइंट दाम में काफ़ी फर्क, दाम में बहुत फर्क, ये दाम में फ़र्क क्यों होता है? ये दाम में देखिए, आप अगर आप मान लीजिए जैसे कि कोई मेरा गेस्ट आया या मेरे बार में कोई गेस्ट आया, ठीक है, हाँ वो जूलियन का सर्विस चाहिए उसको या फिर मेरा सर्विस चाहिए, आई अभी तो बोल सकता हूँ, ठीक है, कि जूलियन का सर्विस चाहिए ये बार में बैठ के पीना है, मेरा अगर सर्विस चाहिए मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे आओ, ठीक है, वहाँ पे एक पिक का जितना दाम है वो दे के जाओ। अगर आपको फ्लेरिंग चाहिए आप एक पैक मांगोगे 30 ml रुपीज़ की, जिसका मैक्सिमम दाम कितना होगा सर, आप पकड़ के चलो 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये, 500 रुपये से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं 500 रुपये से? क्योंकि ये जो बार्टेंडर है वो अपना स्किल्स दिखाता है, डायरेक्टली पोर करके छोड़ नहीं देता है, अपना स्किल्स दिखाता है, उसको प्रॉपरली सर्व करता है, ठीक है, आपके साथ हंसी मजाक करते रहता है, ठीक है, आपको एंटरटेन करते रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि आई हेट सम ऑफ द बार्स डू हैव इट, बार के पीछे एक टीवी लगा दे, ठीक है, तो बार्टेंडर एक्सपेंसिव लेके फ़ायदा नहीं, बार्टेंडर अपना स्किल कैसे दिखाएगा? अगर आप जाओ एक बार में जाके बैठे हो, ठीक है, आप बार में ड्रिंक ऑर्डर करते हो, बार्टेंडर आता है बॉटल जगल करके आपको ड्रिंक देता है, ठीक है, आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है जगल करके आपको ड्रिंक दे दिया, तीन आदमी और मांग रहा है, वो तीन आदमियों को फिर दे रहे हैं, मैं अपना ही ड्रिंक पी रहा हूँ लेकिन मैं देख उसको रहा हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है, मैं चाहे एक ड्रिंक का पैसा दे रहा हूँ लेकिन वो पाँच ड्रिंक जो पोर कर रहा है वो कुछ करते हुए पोर कर रहा है, जो देख के मेरा एंटरटेनिंग हो रहा है, मेरे को टीवी का जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम सीइंग इन लाइफ। सो दैट मैटर्स, आप एक टेलीविजन में जो मैच देखते हो वही मैच आप मैदान में बैठ के देखोगे, दैट मैटर्स, ही सीइंग द बार्टेंडर लाइफ।
सो उसको और क्या चाहिए, ये एटमोसफेयर के लिए एसी के अंदर बैठ के इतना, ये एटमोसफेयर के लिए वो इतना पैसा एक्स्ट्रा देगा. सो दैट्स अ जॉब ऑफ अ बारटेंडर टू एंटरटेन द गेस्ट. Prices that price limited prices for the services, the extra services they provide in the restaurant. Okay. Extra services. Extra services. अब वो कैसे provide कर रहा है ये bartender के ऊपर. Okay. Because बहुत साल पहले हम लोगों का एक दोस्त हुआ करता था शैल भरद्वाज. He used to show magic tricks. Okay. He used to show magic tricks because he had this hobby of doing magic. He used to show magic tricks in the bar. Okay. So that is also a part of entertainment. Okay. So coming back to the story, कि हम लोग जहाँ पे थे, अब लगभग एक साल आपने वहाँ पे स्टेट फाइल सर ना आपने सीखा. उसके बाद then you can say that you become a fully fledged bartender with all the skills that you know, जो भी है, the important skills जो है आता है. ये fully आपको जितना भी skills आ जाए, बार्टेंडिंग इज़ अ लाइन जहाँ पे आपको मतलब पूरा जिंदगी बिता दोगे आप किताब के साथ, क्योंकि वी हैव टू डील विथ ऑल काइंड ऑफ इनोवेशंस, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आज एक नहीं दो दे रहा हूँ. ठीक है, पहला बात तो ये है कि आज के डेट में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हो गया. पहले के डेट में नासा ही था. ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ हम जान लिया तो नासा जान लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं होता था. लेकिन आज के डेट में इसरो हो गया. ठीक है, कितने आदमी को पता है. लेकिन एक बारटेंडर के लिए, पर्सन हु इज वर्किंग बिहाइंड द बारटेंडर, बिहाइंड द बार, उसके लिए जानना ज़रूरी है. अच्छा, दूसरा बात, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल वाटर, एक बहुत सिंपल सा चीज़ है. मैं भी देखा है, मैं भी जब छोटा था तो डेफिनेशन ऑफ वाटर यूज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड वाटर. बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ लिक्विड स्टेट. सो दिस हैज टू बी मेंशनड एंड बीन हाईलाइटेड इन अ लिक्विड स्टेट. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे हैव टू बी इन लिक्विड स्टेट. इफ दे आर इन अ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में अगर होता है तो पानी नहीं बनेगा. तो ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस है जो कि मतलब एक बारटेंडर के लिए मैं समझता हूँ जानना ज़रूरी है. एक बारटेंडर इफ ही इज गोइंग थ्रू रिसर्चेस एंड दिस थिंग थ्रू आउट देयर लाइफ, जैसे मेरा लाइफ चालू हुआ है, अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ तो मैं बोल नहीं सकता हूँ. ठीक है, जब से चालू हुआ है तब से मैं रिसर्च एंड ये करता जा रहा हूँ, तो मेरे को इतना तक पता हो गया. और मेरे को लगता है कि एक बारटेंडर के लिए जानना ज़रूरी है. जैसे बारटेंडर के लिए आप लोग पोर करते हैं, एक लिकर डेंसिटी होता है, हर एक लिकर का अलग अलग डेंसिटी होता है. हाउ सिग्निफिकेंट दैट इट इज़ फॉर ए बारटेंडर टू डू. सी, आज का इसमें कुछ कॉकटेल्स था, इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई मेट विद दे हैव बीन डीलिंग विद. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक कॉमन सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, द बेवरेजेस दैट वी हैव, बेवरेजेस अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल, द बेवरेजेस दैट वी हैव दैट ऑल्सो हैज डिफरेंट काइंड ऑफ डेंसिटी. आज के डेट में इफ यू आर वॉचिंग ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दे हैव डिराइव्ड फ्रॉम दैट वर्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ वेट. ठीक है, स्पीड, वेट ओके, वजन. नाउ वेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर. एक चीज़ अगर हम रख के, मान लीजिए ऑयल रख के, ऑयल के ऊपर और एक ऑयल ब्लैक कलर का, कोई सा भी डेंसिटी वाला ऑयल अगर मैं पोर करता हूँ, ये कितना डेंसिटी में गिरेगा. ओके, अगर ये गिरेगा ये क्या फॉर्मेशन लेगा. ओके, दैट इन दैट केस यू नीड अ लाइट फ्रॉम द बॉटम. आजकल कोस्टर आता है लाइट के साथ, वो लोग वो कोस्टर यूज़ करते हैं, यूज़ करके दे यूज डिफरेंट कलर्स, रेडियम कलर्ड लाइट्स, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड. एंड ऑल दीज वीडियोज दे डू इट ऑन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, लाइक द वेट एंड द ग्रेविटी. ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करके ये लोग वीडियोज बनाते हैं. जो एक बारटेंडर, जैसे कि इफ आई एम गोइंग विद ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस एंड मे बी अ सोडा ऑन टॉप,
ठीक है, तो सोडा ऊपर फ्लोट करेगा. ओके, दैट वाज द पॉइंट टू रीजन बिकॉज़ आई हैव सीन इन द यूट्यूब और सम इन द चैनल्स कि बार्टेंडर जो है फोर डिस्टिंक्ट लेयर का हां बना रहे हैं. द फर्स्ट बार मेन्यू इन माय लाइफ कंसिस्ट ऑफ 40 पेजेस. 40 पेज. मैनेजर पंजाबी था, आके मेरे को गाली दिया था. मेरे को अभी भी पता है, मेरे को गाली दिया था और बोला था तेरे को और दुनिया में कोई कॉकटेल नहीं है, सारा कॉकटेल यहीं पे डाल दिया तूने. बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु डिड द टाइपिंग. तो उसका हाथ दुखा था, वो आके गाली देगा भाई, 40 पेज का कॉकटेल बनाएगा. तो वहाँ पे एक काम किया, करीबन 3-4 साल काम किया. द ओनर वॉज नॉट विलिंग टू लेट मी गो. तो वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट आया था उस टाइम पे, बकाड़ी मार्टिनी ग्रैंड प्रिक्स. सो कैलकाटा से पार्टिसिपेट किया था एंड आई मीन वी वेयर लाइक 4 आउटलेट्स, अमंग 22 आउटलेट्स दिस वेयर ओनली 4 बार्टेंडर्स, 4 और 5 बार्टेंडर्स. वी एक्चुअली ट्रैवल टू बॉम्बे फॉर द सेमीफाइनल्स. ओके, so you are with them. I was among them. So that recipes, generally your recipes आप use करते हो या cocktail बनाने पे कुछ तो standard recipe है जो आप bookish हिसाब से चलते आ रहा है. Innovation कितना count करता है या आपका knowledge के basis पे ये अपना कुछ cocktail ना बना. देखिए जैसे knowledge के basis में plus आपका जो standard recipe है, if I call it say suppose like tamarind martini, ठीक है, तो आपके सामने पिक्चराइजेशन कैसा आएगा? समथिंग विच इज ऑफ जो इमली का टैमरिंड का मतलब इमली बेस समथिंग कुछ दिक्कत. कलर कैसा आएगा? कलर जनरली इमली का कलर से ही हम लोग डार्क कलर बेस का होगा. बेस का होगा. अभी मैं 2 मिनट दीजिएगा, पूरा नहीं मानेगा सर. मार्टिनी जो होता है, मार्टिनी बुक्स में लिखा हुआ है मार्टिनी हैज टू बी ट्रांसपेरेंट. राइट. अगर मेरे को ट्रांसपेरेंट करना है इमली को, टैमरिंड को, तो मैं कैसे ट्रांसपेरेंट करूं? यू टेक ए मिल्क वॉश. जेल लेके उसको फिर मिल्क वॉश करना पड़ेगा मेरे को. ओके, मिल्क वॉश करना पड़ेगा और एल्स मेरे को आर्टिफिशियल सिरप्स यूज करना पड़ेगा. राइट. मिल्क वॉश करूँगा तो मिल्क पूरा सब कुछ निकाल देगा, खाली क्लेरिफाइड वाटर जो है, क्लेरिफाइड वाटर छोड़ेगा नीचे विद द एल्कोहल, जिसमें टैमरिंड का टेस्ट तो आएगा लेकिन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर. ओके, ठीक है. ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन जो ऑथेंटिसिटी क्या है. ऑथेंटिसिटी है टैमरिंड मार्गरेट अगर मैं बोला तो इमली से बनाऊँ, दिस इज द ऑथेंटिसिटी, मैं इमली से बनाया. लेकिन मैं इनोवेशन कहाँ पे किया? इट्स नॉट डार्क कलर. इमली को मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया. दिस इज द इनोवेशन. सो यू कैन डू एनीथिंग विद द इनोवेशंस नाउडेज. सो व्हाट आर द क्लोथिंग? बहुत सारे ड्रिंक्स यूज होता है बट कॉकटेल में सब ड्रिंक्स से कॉकटेल बनता है कि दे आर 2-3 पॉपुलर बेसिस व्हिच आर रेगुलरली यूज्ड. नहीं, जनरली क्या होता है 2-3-5 ऐसे. जैसे मैं अगर फॉर द व्यूअर्स बेनिफिट बोलना चाहूँ, हम लोग का बियर एक कैटेगरी है विच इज़ लो अल्कोहल, उस पर है. अगर कॉकटेल बेस बोलना चाहे तो आपका वटका आ जाता है, जीरा आ जाता है, विस्की, रम, वाइट रम, ये चार बेसिक समथिंग वी कैन आल्सो ऐड. ये चार तो इसमें मैक्सिमम जो कॉकटेल्स जनरली देखते हैं ये वाइट रम या वटका का ज़्यादा ऑप्शन दिखा जाता है. बट व्हाट आर द अदर्स? वोडका का ज़्यादा ऑप्शन देखा जाता है बिकॉज वोडका हैज बीन सेड एज अ न्यूट्रल स्पिरिट. ओके, वोडका जो न्यूट्रल स्पिरिट है इट इज़ वेरी इजी टू डाइल्यूट और मेक द वोडका फ्लेवर बहुत इजी रहता है. इसको फ्लेवर बनाना बहुत इजी रहता है, इसीलिए वोडका के साथ हम लोग मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ओके, रम का क्या होता है? रम का एक अलग सा डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है जिसके साथ ही हमको जाना पड़ता है. ओके, तो मैं ज़्यादातर इंग्रेडिएंट उसके साथ यूज़ नहीं कर पाऊँगा. ओके, ज़्यादा फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ नहीं कर पाऊँगा. ओके, विस्की का एक फ्लेवर अलग होता है तो मैं ज़्यादा फ्लेवरिंग एजेंट उसके साथ यूज़ नहीं कर पाऊँगा. मैक्सिमम वूडी में जाना पड़ेगा मेरे. ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि इन सब अल्कोहल का एक कैरेक्टर होता है.
लेकिन वोडका का कोई कैरेक्टर नहीं होता, वो न्यूट्रल स्पिरिट है, जस्ट लाइक वाटर, एग्जैक्टली जस्ट लाइक वाटर। तो मैक्सिमम कॉकटेल हम लोग वोडका से इसीलिए करते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू डाइवर्ट वोडका फ्रॉम इट्स डिस्टिंक्ट प्लेस टू अनदर प्लेस। सो व्हाट अबाउट व्हिस्की? व्हिस्की काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक है बट ये कॉकटेल फॉर्मेट में काफ़ी कम देखा जाता है। यस, व्हिस्की काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक है लेकिन कॉकटेल फॉर्मेट में बहुत कम देखा जाता है बिकॉज इन द सेंस क्योंकि मैक्सिमम व्हिस्की में क्या जाता है आपका आइदर एप्पल या फिर वुड फ्लेवर। ठीक है, अब एप्पल और वुड फ्लेवर अगर किसी को चाहिए नहीं होता है, मैक्सिमम आदमी को चाहिए नहीं होता है, एप्पल किसको अच्छा लगता है आप बताइए, वो बच्चों वाला फीलिंग आ जाता है। वुड फ्लेवर वुड नहीं, कुछ और हो, वनीला हो, कुछ हो, ठीक है वुड नहीं, तो क्या होता है मतलब थोड़ा हट गया है वहाँ से, हट के थोड़ा लास्ट में इंसान कुछ डिसाइड कर नहीं सकता है, बोलता है एक काम कर, तू एक काम कर, खाली विस्की लगा विद आइस, सिंपल। तो यार उतना कुछ सोचने का टाइम नहीं है, लेकिन वोडका का क्या है कि आप सोच के जाते हो मेरे को ये मिड फ्लेवर में कुछ अच्छा लग रहा है, वाइट बार्टेंडर भी थोड़ा बौखला जाएगा, सो बार्टेंडर आई आस्क हिम मिड मार्टिन, ओके सो दैट विल क्रिएट, बार्टेंडर को भी पता चल गया हाँ ठीक है मिड फ्लेवर में वोडका भी इसमें चाहिए, अगर उसको डाइवर्ट करवाना भी है वो मैक्स टू मैक्स कैप्रियोस का बोलेगा, ओके सर आपका ग्लास देखने में अच्छा लगेगा, यू कैन हैव वन और टू स्नैप्स विद इट, ठीक है दैट विल लुक गुड। अभी तो पॉडकास्ट आते वक्त मेरे काफ़ी कलीग्स ने पूछा था कि बी आप सर से सजेशन ले रहा कि अगर मेरे घर में पार्टी है व्हाट विल बी द इजीएस्ट कॉकटेल टू मेक और कैसे मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ? देखिए जैसे सर आपको भी पता होगा और बहुत सारा हमारा व्यूअर्स है उनको भी पता होगा, स्क्रू ड्राइवर इज सपोज टू बी द इजीएस्ट कॉकटेल। सर प्रोसेस अगर थोड़ा एलाबोरेट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। ये इसका जो मेन गेम है ये प्रोसेस में ही है सर, जैसे कि आप अगर स्क्रू ड्राइवर बनाओगे कोई भी टॉम डिक एंड हैरी को बोल लो स्क्रू ड्राइवर वोडका ऑरेंज जूस, सबको पता होगा वोडका ऑरेंज जूस, वो वोडका डालेगा ऑरेंज जूस डालेगा हो गया स्क्रू ड्राइवर, पर ये गलत है, ये गलत है। आप आइस डालो, ऑरेंज जूस डालो उसमें, अंदर अगर और भी साइड पिक चाहिए आपको लाइम जूस डालो, ऑरेंज जूस डाला ग्लास में उसके ऊपर टॉप अप विद वोडका, ओके द टॉप लेयर शुड बी वोडका, दिस इज द व्हाट दैट पर्सन मतलब जिसने स्क्रू ड्राइवर बनाया था उसका थिंकिंग यही था, ओके स्क्रू ड्राइवर फर्स्ट यू गेट स्क्रूड देन देयर इज अ ड्राइव, एग्जैक्टली फर्स्ट यू हैव टू गेट इट स्क्रूड देन यू ड्राइव। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्क्रू ड्राइवर इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू एंड ऑफर, इस पर बोर्ड का अगर कोई बोर्ड का नहीं प्रेफर कर रहा है तो बोर्ड का नहीं प्रेफर कर रहा है वाइट रम प्रेफर करेगा, ओके वाइट रम विद पाइनएप्पल जूस, ओके दैट विल गिव तो पूरा कॉकटेल बनेगा नहीं, ठीक है क्योंकि उसमें अगर आपका कोकोनट सिरप होता है तो पिना कोलाडा का इफेक्ट देगा वो, ओके ठीक है लेकिन आपके पास कोकोनट सिरप भी नहीं है क्योंकि एक घर में होना आम बात नहीं, ठीक है नॉर्मली घर में होता नहीं है कोकोनट सिरप, तो आप पाइनएप्पल जूस विद रम आप सर्व कर सकते हो, रम विद पाइनएप्पल जूस, वाइट रम विद पाइनएप्पल जूस फिल्ड विद आइस, फिल्ड विद आइस, ओके ठीक है दैट इज द इजीएस्ट, दैट विल गिव हिम एन इफेक्ट ऑफ पिना कोलाडा, पिना कोलाडा का इफेक्ट देगा पूरा पिना कोलाडा बनेगा नहीं, ओके ठीक है पी के गंदा नहीं बोलेगा, बोलेगा अच्छा ही है, अच्छा सरप्राइज, एंड बहुत कोई होता है जो विस्की मेजरमेंट लेते हैं 30 ml है फिर उसके बाद वाटर, तो आइडियल आप लोग क्या सजेस्ट करते हो एक विस्की में अगर कोई 30 ml विस्की ले रहा है या 60 ml विस्की ले रहा है व्हाट शुड यू दे यूज आइस और यू शुड दे यूज वाटर? देखिए आइस अभी हो क्या गया है स्कॉटिश क्लाइमेट, ठीक है जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम हैविंग हाईलैंड क्रीम, ठीक है हाईलैंड क्रीम अगर टीचर्स हाईलैंड क्रीम मेरे को कोई दे दे आई विल हैव इट विद द आइस, ठीक है बाहर में थोड़ा माहौल चेंज होना चाहिए, बारिश होना चाहिए जैसे कुछ दिन पहले बारिश हुआ था, ठीक है वैसा बारिश होना चाहिए एंड आई विल एंजॉय माय व्हिस्की,
okay. in that way. Okay. बारिश जरूरी है इस टाइम इस टाइप से मैं हाइलैंड पे बहुत इंजॉय करेंगे. ओके. सो दिस इज व्हाट माय थिंग इज. अगर इस जगह में मेरे को कोई अमेरिकन प्राइड है सो वन ऑफ द विस्की. ओके. ठीक है अमेरिकन प्राइड कोई बोलते हैं. सो आई विल हैव टू क्यूब्स ऑफ आइस नॉट मच ओनली टू क्यूब्स ऑफ आइस एंड वाटर. ओके. बिकॉज देर इज अ टेस्ट डिफरेंट. ठीक है टीचर्स हाइलैंड की जगह अगर हम टेस्ट कर रहे हैं इट विल गिव यू द एरोमा द स्कॉटिश फील. ओके. उस टाइम पे बारिश होना भी जरूरी होता है. ओके. बारिश होगा तभी आप टीचर्स हाइलैंड की निकल पन्ना मत निकल. बिकॉज देयर इज दैट वुडी. यस एग्जैक्टली दैट वुडी जो रेन गिरने के बाद जो वुड से हां हां जो बर्बाद करने वाला जो स्मेल आता है और आपके साथ मतलब जैसे कि यहाँ पे पहला बारिश होने के बाद मिट्टी का जो स्मेल आता है सोदा जे गंध आता है. सो दैट स्मेल मैचिंग विद दिस वन दैट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अरोमा. मैंने दोनों मिलिए एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड अपने चले जाते हैं एंड यू विल एंजॉय योर ड्रिंक. यू विल फील लाइक 360 ml आप क्रश्ड आइस के साथ लोगे आपको लगेगा सुकून मिल गया मैंने ऐसा लगेगा. ठीक है इट्स नॉट दैट यू आर ड्रिंकिंग फॉर गेटिंग हाई और समथिंग लाइक दिस. आपको अच्छा एंजॉय यू विल एंजॉय द मोमेंट. ठीक है वैसे ही अमेरिकन प्राइड एक विस्की ऐसा है कि इट्स एज्ड इन ओक कास्ट वाइट ओक कास्ट. ठीक है वाइट ओक का उतना ज़्यादा स्मेल आता नहीं. ठीक है दैट इज बीन वेरी डोमिनेटेड इन अमेरिकन प्राइड. तो अमेरिकन प्राइड में क्या होता है दो क्यूब ऑफ आइस लिया आपने पानी डाला दो क्यूब ऑफ आइस इसलिए किया सो दैट यू चिल द बेवरेज. ओके. नॉर्मली ये तो बाद में मेरे को पता चला बहुत दिन बाद पता चला कि जैसे पीने का दो स्टाइल होता है वंस यू हैव इट विथ हॉट वाटर वन यू हैव इट विथ कोल्ड वाटर. राइट ड्रिंक करने व्हेन यू हैव इट विथ हॉट वाटर जनरली बैच ऑफ द बेवरेज ऑफ वाटर दैट गोस ऑलवेज विथ रम. विस्की के साथ कभी मैंने हॉट वाटर ट्राई नहीं किया है बट जनरली इफ यू टेक हॉट वाटर वॉज कंसिडर एक्सपोर्टेड का काम करेगा ठंडा के सीजन में यू हैव रम विथ हॉट वाटर. ये सही सुना सर ये हम लोगों का इंडस्ट्री में जिसको बोला जाता है टोटका है कि रम हॉट वाटर के साथ पियो यू विल फील वॉर्म. दैट्स एक्चुअली ट्रू बट द थिंग इज दैट आप गर्म पानी के साथ तभी पियोगे जब आपको ड्रिंक का एरोमा लेना है. ओके. स्मेल करना है स्निफ करना है. ओके. कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ मेरे को ये स्मेल करना है. तो अल्कोहलिक बेवरेज जो है या नॉन अल्कोहलिक जो भी बेवरेज है इसको थोड़ा लिक्विफाई करूँगा तो उसका हर एक एरोमा अंदर से बाहर आएगा. ओके. ठीक है अगर मेरे को एरोमा लेना ही नहीं है मेरे को थ्रोट में ईजी रखना है ड्रिंक को. ये जो गर्म वेरी इंटरेस्टिंग यू आर डिस्कसिंग समथिंग. ये जो आप जनरली अरोमा का बात होता है वोडका में तो नहीं होगा जो फ्लेवरफुल हो सकता है इस कम्स टू विस्की मोर ऑर लेस. तो आप लिक्विड वाटर अगर आप फ्लेवर लेना चाहते हैं यू डू वांट टू नो व्हाट द ड्रिंक यू आर हैविंग तो विस्की में लिक्विड वाटर देंगे आप. विस्की में लिक्विड वाटर दोगे विस्की का अरोमा जितना है वो खुल के बाहर आएगा. ओके. ठीक है और जैसे कि हम लोगों का एक वॉर्म कॉकटेल है दैट इज टोडी. ओके. ठीक है टोडी में क्या होता है आपका सिनेमन मडल होता है हनी दिया जाता है. ठीक है उसमें भी गर्म पानी देते हैं सिंस द सिनेमन व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट इज सिनेमन इज फ्रॉम वुड. ठीक है वुड का एरोमा आए इसलिए गर्म पानी डालते हैं. ओके. सो विदाउट यू मेंशनिंग टोडी फॉर द व्यूअर्स वी आर कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. यू हर्ड अबाउट इंग्लिश विस्की यू हर्ड अबाउट अमेरिकन विस्की नाउ द न्यू टाइप ऑफ विस्की व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज द जापानीज विस्की एंड फॉर्चुनेटली मिस्टर जूलियन गोम्स वी आर सिटिंग विद अस इज रिप्रेजेंटिंग और इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ Japanese whiskey in Kolkata, am I right? Yes. So,
अब हम लोग थोड़ा सा इस ब्रांड ऑफ विस्की के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू यू आर हियरिंग. बिफोर दैट वी आर मोर इन टू अमेरिकन और आयरिश. तो विस्की का फादर था, इट वॉज आयरलैंड स्कॉटलैंड, सॉरी स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड वॉज द फादर ऑफ विस्की. अब उसको कॉपी करके बहुत सारा कंपनी विस्की बनाया है. अब स्कॉटलैंड के बाद आया आपका आयरिश विस्की, आयरिश विस्की के बाद आपका जैक डेनियल्स विच इज़ बॉर्बन विस्की, अमेरिकन विस्की, ठीक है. अभी आया आपका जैपनीज विस्की. जैपनीज विस्की, वाई इट इज़ कॉल्ड जैपनीज विस्की? अभी बॉर्बन विस्की हम किस लिए बोलेंगे? बिकॉज उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉर्न यूज होता है. ओके, राइट. कॉर्न इज लाइक गुड कल्टिवेशन इन यूएसए, ठीक है. मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉर्न यूज करता है. वैसे ही मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ राइस यूज करता है जैपनीज में. राइस, राइस. सो दिस विस्कीज आर मेड फ्रॉम राइस? यस, मैक्सिमम परसेंटेज. ओके, ठीक है. जैसे अमेरिकन में आपका 50% एंड अबव कॉर्न यूज होता है, तो यहाँ पे भी राइस यूज होता है, ठीक है. इंग्लिश में वो बाल्टी में रहता है, बाली रहता है, व्हीट बाली रहता है, और स्कॉटलैंड में वो व्हीट हो जाता है, ठीक है. आयरलैंड में उसका पिट फायरिंग नहीं होता है. स्कॉटलैंड में पिट फायरिंग होता है, आयरलैंड में पिट फायरिंग नहीं होता है. वही आपका अमेरिकन होता है तो कॉर्न हो जाता है, कॉर्न हो गया. अगर जापान में आ गया तो राइस हो गया, ठीक है. मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ राइस हो जाता है. और इसके अंदर क्या होता है, द जैपनीज क्राफ्टमैनशिप, जैपनीज पीपल आर यस लाइक टू हैव यू हाइलाइटेड, गुड दैट हाइलाइटेड. पर व्हाट इज जैपनीज क्राफ्टमैनशिप? इट इज सी, इट इज टॉप. बट विस्की में हम लोग उनके कुछ चीज में क्राफ्टमैनशिप देखते हैं, जैसे समुराई स्वॉर्ड, इसमें क्राफ्टमैनशिप है. या फिर उन लोग का एक आर्ट जिसमें वो लोग विदाउट कटिंग द वुड दे सेट, आई forget to name that what is art is called, that is called Japanese craftsmanship. What is whiskey? Japanese craftsmanship. अभी ये क्या होता है, जैसे for an example alcohol, alcohol you leave it as it goes. Okay. ठीक है, alcohol कैसे तैयार होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, मम्मी खाना बनाता है, उसको बार बार देखते रहते हैं, ये देखने का नहीं होता. You leave it as it goes, make it prepared. And you calculate it, okay, this will happen in this many days and this will happen in this many days, the taste will be changed in this many days and this many days the aroma will be of this type and it will be matured by this day. तो आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके उसको छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो अपना काम करता रहेगा, फर्मेंटेशन उसमें होता रहेगा. सो एल्कोहल इज जस्ट लाइक दैट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, डिपेंडिंग ऑन कैलकुलेशन, ठीक है. The Japanese craftsmanship, Japanese are the people like they notice a single bug. अगर कोई bug जिसको बोलते हैं कीड़ा अगर पर हिलाता ना, उसका पर को ये लोग गिन लेता है. They have so much of talent. So what they do is they do it very precisely. The rice which is supposed to be used, that has to be polished. Okay. Okay. Now different polishing at different stages has different names. Okay. Like if it can be 50% polishing, it can be of 20% polishing, 25%. But the rice, the shape of the rice has to be intact. अगर rice ऐसा लंबा है तो लंबा ही होना चाहिए. वो उसको सिकुड़ के ऐसा गोल मोती जैसा नहीं होना चाहिए. Okay. उससे कुछ नहीं बनेगा. Okay. ठीक है. So that is the thing. So they polish the rice. Then they do add on flavors into it. Okay. Because in alcohol stages we have seen like the flavor is to be added before rather than the flavor when we are cooking, and we add the flavors at the end. But in alcohol mein kya hota hai, flavor pehle add kiya jata hai. So you add on the flavors. Yeah, kaisa flavor hoega, kya nahi hoega. Acha, usme bhi depend karta hai ki aap whiskey mein depend karta hai ki aap maturate kaise karte hai. Yes, okay. तो ये आप जिसमें मैच्यूरेट करोगे 50% फ्लेवर आप वहाँ से लोगे. तो जनरली जैसे मैंने सुना है कि आयरिश विस्की या अमेरिकन विस्की ओक कास्ट में मैच्योर होता है, लेकिन उसमें व्हाट अबाउट जापानीज? नहीं, वो लोग भी ओक कास्ट में मैच्योरेट करता है, कभी कभी ओल्ड शेडी कास्ट में मैच्योरेट करता है. ओके, ठीक है. लेकिन इन लोगों का कैलकुलेशन इतना बढ़िया होता है, लाइक दे हैव लाइक आप जो जिसमें मैच्योरेट करोगे उसका फ्लेवर आपका मुंह में आएगा.
आप जो पहले डाला है उसका एरोमा आपका नाक में आएगा, मुंह में कोई फ्लेवर नहीं आएगा। ये होता है टैक्टिक्स। तो वो लोग किस में खेलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो फ्लेवर पहले डालते हैं उनको पता है ये फ्लेवर नाक में आएगा लेकिन मुंह में नहीं आएगा। ठीक है, और जिसमें मैचुरेट करता है दे मेक इट श्योर मैचुरेट जिसमें करेगा उसका फ्लेवर मुंह के पहले तक आएगा। मैचुरेशन में भी नोज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नोज में उसका इफेक्ट आएगा, इसमें आपका पहले में इफेक्ट आएगा। सो पहले में ये लोग ज़्यादातर स्वीट रखने का कोशिश करते हैं सो दैट इट इज़ ईजी विथ लाइक कुछ भी पीने के लिए हम लोगों को स्वीट चाहिए होता है तो ईजी वाइल गोइंग थ्रू द थ्रोट। ओके, ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया जैसे कि आपका एरोमा ये लोग ऐसा सोचता है कि दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं होगा। जैसे से सपोज लाइक विस्की बनाता है ये लोग, एक एरोमा चूज किया है इसने जैस्मिन एरोमा। ठीक है, एरोमा दे रहा है जैस्मिन का और स्वीट लग रहा है हनी का। व्हेन यू आर ड्रिंकिंग द अल्कोहल इट इज स्वीट लाइक हनी, सो दिस इज द बैलेंस दैट दे डू। दिस इज व्हाट वी कॉल Japanese craftsmanship. So how many types of whiskey they have introduced? At the moment they have Shin. They have Shin Umeshu, which is again palm flavor. Like maturation ke time pe palm use kiya gaya tha iska. Then you have Akashi Toji. So near about 4-5 types of whiskies. And this sake soju. Sake suddenly is become the more popular variant. Sake. Yes, sake has become the more popular one because once I told you in the interview by itself, I don't know whether you remember it or not. Okay. That when you need the aroma, okay, you vomit. Okay. Yes. Yeah, right. And when you want it easy with the throat, you drink it chill. Chill, okay. Right? So, sake mein kya hota hai? Sake mein you can serve it warm, you can serve it chill. Okay. So both ways? Both ways, depending on the guest. Depending on the guest. So, it can give it with ice cubes also, on the rocks, or by? Not ice cubes, like it's been pro-chilled. Inside the freezer, it's been okay. Pro-chilled. Well, so the bottle is only pro-chilled? Yes. Okay. So, it has been served. Okay. And sake is the most traditional drink and they have lots of myth with the sake. Like sake cup, you cannot hold the sake cup with one hand. You have to hold it with two hands. Okay. And there is supposed to be a bone china pot. Where you are supposed to warm the alcohol or the wine. Okay. And you pour it. So you serve this in the bone china cup. The sake, yes, very wine. Exactly. Right. Okay. So these bone china cups, I have even ordered some more. We are coming up with some more cups of bone china. It's coming up. So this bone china bottle and bone china glass. So you warm up the alcohol with that, and you pour it inside it, inside the cup. And the person who's younger to you, like I'm younger to you, you being the host, you're serving. So you will serve and I will raise the cup, the sake cup with my two hands. Okay. I cannot hold it with one hand. Okay. I have to hold with two hands. Okay. And then you will pour it, I will have it. These mystics, mysticism attached with Japanese, so is adding to the popularity of the brand? Yes, they are. Basically, this is one of the Japanese tradition and Japanese are very well, like they are like Indians. Not like Chinese, they're like Indians. They respect their elders. They want to be in a family. This, that, everything that Japanese has been related with Indians. So since how many months or years your attachment? Now that comes to a very interesting point. More interesting point is that after your career part and you start here. Now you are moving as a brand ambassador. How the difference? What difference are finding? Popularizing your brand, endorsing your brand, and
previously I was a celebrity bartender. So what is the basic difference you found being a band ambassador or being a celebrity bartender? It's been 2 months I've been working as a brand ambassador. Well, I'm feeling it pretty fine. I'm going places to places, meeting each and everyone. अब कैसे होता था पहले, जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सपोज मैं ताज में काम कर रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त है ओवरऑल, उसका भी शिफ्टिंग एक ही टाइम में, ड्यूटी शिफ्ट एक ही टाइम में, मिल नहीं सकते हम लोग, फ़ोन में बात करते हैं कभी कभार, फ़ोन में कितना बात करेंगे भाई, एक दो बार हाय हेलो बोल दिया, हो गया खत्म, लेकिन ज़्यादा बातचीत मिलना होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर किसी से मिलना, जो बहुत पुराने दोस्त यार थे सबसे मिलना है, इट्स बीन अ वेरी एंजॉयबल मोमेंट फॉर मी। Okay. Like I'm meeting each and every one. So that's really lovely. I think anyway, the drink always bring the friends closer, right? So this man is like the same thing in your life. Exactly. Drink has made the friends closer. That is. So you are closer in the ritual sense, you're able to meet. So not only drink, but you're able to meet also. Exactly. Now, like one of my friend, like. Is working in Wafira. So it's something like my duty is over from 7 o'clock onwards. Before that, I have been working somewhere or the other in some of the outlets. I'm done when dot at 7. Dot at 7, my company calls me up and says, Julian, you're still in the market, you should go home now. Okay. So it's something like this. So my 7 o'clock, my shift gets over, I go home, I report, I change, I come back. And meet with this friend who's working in Wafira because his shift starts from 9 o'clock onwards. You have been in the bartending business, you have met a lot of people. Do's, hum log ek different tarike se peene ka tarika pucha, easy way of making a cocktail pucha. As a seasoned bartender, what are the don'ts, what are the things you want to suggest? Kya khane waqt kya take care karna chahiye wale aane ke? Drink, alcoholic drink, or what should the precautions one should have while drinking? Because it's for pleasure, but pleasure something went beyond limit gives a displeasure or accident even ruining life. Exactly. Now this is what happens is, like, it's been, we have a measurement of 3 large. तो आपके पास, आप जब भी पार्टी कर रहे हो, कोई भी पोजीशन में, आप घर में पार्टी कर रहे हो, कहीं और दोस्त के साथ पार्टी करने गए हो, 3 large इज़ द लिमिटेशन, उसके बाद जाना ही नहीं है। ओके ओके, उसके बाद गए तो एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ड्रिंक, यू शुड कैरी अ ड्राइवर अलोंग विद यू, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। बेनिफिट ऑफ द पीपल एज अ वेटर बारटेंडर वाज पीपल सी लॉट ऑफ पीपल ड्रिंकिंग, बहुत हो गया, उन्होंने पिलाया, सर्व किया। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सजेशन टू रेस्ट्रिक्ट टू 3 large packs इफ यू ड्रिंकिंग रेगुलरली, मेक इट एंजॉयबल नॉट पेनफुल फॉर यू। एनीथिंग मोर यू वांट टू ऐड टू दैट? व्हाट शुड बी द फूड, व्हाट शुड द आइडियल फूड व्हाट शुड टेक व्हाइल ड्रिंकिंग? सी, व्हाइल ड्रिंकिंग, बिफोर ड्रिंकिंग यू शुड बी फुल स्टमक, नॉट इवन फुल स्टमक, एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग, कुछ ना कुछ आपको पेट में होना चाहिए। फुल स्टमक भी मत कीजिए क्योंकि वो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम देगा। ओके, इफ यू फील लाइक प्यूरियस एवरीथिंग विल कम आउट, सो बेटर नॉट टू बी फुल स्टमक, एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग ऑन दी अदर। और कुछ हेल्दी सा खा लो, आप चिकन खा लो, ठीक है, आप अगर वेजिटेरियन हो, यू हैव गुड नंबर ऑफ पनीर, सो दैट यू हैव समथिंग इन योर स्टमक हु विल एब्जॉर्ब द एल्कोहल, एल्कोहल के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। वरना वो हम लोगों का स्टमक वॉल्स जो होता है उनको द थिंग्स इज प्रोटीन बेस्ड, अगर प्रोटीन बेस्ड खाना रहा जैसे चिकन या आपका पनीर इज बेटर, वो वैल्यूटिकली इट्स गुड, वैल्यूटिकली दैट विल बी गुड, बिकॉज चिकन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। ओके, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अल्कोहल को बैलेंस करता रहेगा। ओके, ऑटोमेटिकली। व्हाइल जब ड्रिंक कर रहे हो तो आप कैसे सजेस्ट करते हैं? जब ड्रिंक कर रहे हो तो मैक्सिमम मैं तो सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा फ्रूट्स हो जाए तो बढ़िया रहता है, सबसे अच्छा, ठीक है, क्योंकि लाइट खाना आप खाते रहो, सो दैट विल बी कंपैटिबल विद द अल्कोहल।
और चीज़ हो जाए तो क्या कहना है, लेकिन चीज़ सबके बजट में आता नहीं है, तो आई प्रेफर फ्रूट्स हो जाए तो अच्छा। बट समवन लाइक्स ऑर्डर्स टू हैव फ्राइड आइटम्स व्हाइल ड्रिंकिंग, व्हाट इज द सजेशन ऑफ दैट? फ्राइड आइटम्स देखिए, एक तो फ्राइड आइटम्स ये उतना हेल्दी होता नहीं है। एंड व्हेन यू आर टेकिंग अल्कोहल यू इटसेल्फ टेकिंग द कैलोरीज व्हिच यू कैनॉट बर्न, तो उनको लेना ज़रूरी नहीं है। फ्राइड आइटम्स तो मेरे को लगता है खाना ही नहीं है। फ्राइड आइटम्स आप अल्कोहल के साथ खाते हो तो आपको बहुत सारा कैलोरीज इकट्ठा हो जाएगा, जिसको बर्न आउट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू द जिम ट्रेनर्स। मैं कभी जिम गया नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है, पर ठीक है। तो ऑयल रहता है, ऑयल में आपको कैलोरीज हाई होता है, फिर उसके बाद आप अल्कोहल ले रहे हो, अल्कोहल में हाई कैलोरी है। सो इट्स नो पॉइंट ऑफ टेकिंग अल्कोहल विद फ्राइड आइटम्स। ड्रिंकिंग विद स्मोकिंग, लॉट मेनी पीपल प्रेफर्स इट। इट वन टाइम इट हेल्प्स यू, कौन सा टाइम है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए अल्कोहल का टिप्सीनेस एक हद तक काम करता है, एज लॉन्ग एज योर वेट माउथ इज वेट, जब तक आपका मुंह वेट रहता है तब तक अल्कोहल विल ब्रिंग यू टू द हाईएस्ट लेवल। उसका जितना क्षमता है वो अपना हाईएस्ट लेवल में लाने का कोशिश करेगा। उस टाइम अल्कोहल को डोमिनेट करने के लिए यू कैन हैव वन और टू स्मोक्स। अल्कोहल को डोमिनेट करने के लिए, ये नहीं कि कंटिन्यूस के लिए ऐसा करते हैं। डोमिनेट द अल्कोहल, यू टेक वन और टू सिगरेट्स, दैट इज ओके। तो आई विल रियली थैंक जूलियन फॉर दिस इनसाइट और समथिंग। आई हैव वाइल्डली वॉच्ड बार्टेंडर प्रॉफिट फ्रॉम दैट साइड ऑफ दिस टेबल, बट दिस टाइम इट वॉज अ फेस टू फेस टॉक एंड लॉट मेनी इनसाइट्स केम आउट अबाउट द हार्ड लाइफ, हार्ड ट्रेडिंग ही हैज फेस्ड, अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लिकर। ही इवन सजेस्टेड कैसे आप इजी रेसिपी अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं with weather and don'ts about the drink. I think I can continue one more hour discussing with drink, but I think हम लोगों को जूलियन को एक और बार एपिसोड में बुलाना पड़ेगा more inside of this story. Today, for today, I really thank that he has come and joined us and giving this beautiful insight to the bartender life, which is I think is a very struggleful he has and full of passion, because walking 3 hours to reach the destination, I don't think it's a joke. Better joke. Unless आपके पास full energy, आपका purpose, आपके focus के ऊपर आपका नहीं है, तो it's not an easy task. So thank Julian for that insightful life story. I hope that the budding student, the budding bartenders will learn from his struggle, because that's where the learning is. Exactly. It's easy to see Julian perform those things very easily. वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट द प्रैक्टिस दैट द लेबर बट द स्ट्रेट्स हैज नॉट बीन ट्रीमेंडस। आपने खुद सुना, थ्री आई एम स्टिल दैट वर्ड इज वाइब्रेंटिंग। 3 घंटे का मैं पैदल चल के डेस्टिनेशन में पहुँचता था। अटेनर्स को अगर अपने प्रोफेशन के प्रति ट्रू पैशनेट, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स ओनली द वन ऑफ द मोटिवेशन आई एम कैरिंग फ्रॉम यू, बिकॉज दैट द वर्ड is still ringing in my ears. So thanks. I hope aap podcast ko like karenge, apna comments karenge, aap please subscribe kijiye agar aapko is tarah ke podcast aur chahiye. I hope we will able to ask Julian to go once more, because I think there's not many more things to discuss with him. Thank you Julian once again for making channels.